ये देखो इसको देखो, नो 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 रोलेक्स। देखो खाना तो खाया है गाइस, लेकिन अभी भी जख्म उसका वैसे ही है। देखते हैं 2 दिन में आराम हो रहा है कि नहीं। इंजेक्शन तो आज ही लगाया मैंने बहुत हाई पावर का। देखो कितना टॉप का नजारा लग रहा है, थोड़ी देर में सनसेट हो ही जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीआरपीएन ब्लॉग। ये देखो पीछे अभी सनराइज हो रहा है। अब मैं रोज सुबह उठ के पढ़ाई करता हूँ, लेकिन अभी सीधे जा रहा हूँ जॉय के पास, उसका मुंह चल के देखते हैं कि आराम है कि नहीं। अभी मैं आ गया हूँ द्वार पे गाइस। रोलेक्स ये देखो पीछे बंदा हुआ है, और जॉय को रूम में मैंने शिफ्ट किया था कल ही। चल के देखता हूँ उसको वो कैसा है, उसकी हालत कैसी है। ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इधर से ये भी भौंक रही है। देखो यहाँ पे खड़ा होकर भौंक रही है इसको। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो रोलेक्स को थोड़ी देर खोल देता हूँ, ये जाके थोड़ी सी ग्रिप लगा लेगा। लेकिन पहले उससे पहले जॉय को चल के देखता हूँ कि उसका मुंह कैसा है, तभी खोलूंगा इसको। जॉय बाहर आ गया है, लेकिन अभी भी मुंह उसका वैसे ही लटका हुआ है, लेकिन खाना तो खा रहा है तभी बाहर घूम रहा है। इसको बाहर नहीं जाने देता हूँ, नहीं तो कोई देखेगा तो बुरा लगेगा उसको। बात तो सही है। जो बाहर जाने की जिद कर रहा था गाइस, तो उसको छोड़ दिया, थोड़ी देर बाहर घूम के आ जाएगा। अभी जस्ट गेट खुला है, गया थोड़ा सा घूम ले। उसका मन है कल बिल्कुल भी जाने, उसको बाहर नहीं दिया था, आज जाने दिया हूँ। अब रोलेक्स को खोलता हूँ, इसकी ग्रिप लगवाता हूँ। तो रोलेक्स ने ग्रिप लगाना शुरू कर दिया पीछे। एक बार जॉय को चल के देखता हूँ कि बाहर ज़्यादा दूर तक नहीं चला गया। ये देखो इधर आके बाहर घूम रहा है ये आराम से। इसको लेके चलता हूँ अंदर ही, क्योंकि इसका मुंह देखने में अजीब ही लग रहा है। सब इसी को देख रहे हैं, सब पूछ भी रहे हैं क्या हो गया है। चल 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 चल, ये रूम में ही जा रहा है, इसको रूम में ही आराम है। ये अपना अभी ग्रिप में ही लगा हुआ है पीछे। इसको ये रूम में ही आराम करने देता हूँ, देखो कैसा हो गया घाव इसका। जाके फिर एक इंजेक्शन लेके आता हूँ, इसको लगाता हूँ जल्दी से। अभी तो रोलेक्स की ग्रिप आधे घंटे तक चलेगी, अभी तो 10 मिनट हुए हैं इसको लगाते हुए। आराम से लगाने देता हूँ, चलता हूँ मैं एक लेके आता हूँ इंजेक्शन इसके लिए। इंजेक्शन लेके आ गया हूँ गाइस, और इसकी ग्रिप ऊपर चली गई थी, ये इधर उधर घूम रहा है। इसकी ग्रिप उतारता हूँ, लगता है ग्रिप नहीं लगाएगा, पूरा थक गया देखो, हाँफ रहा है। तो अभी इसको बाहर लेके आया, अब इसको लगाता हूँ इंजेक्शन, बाहर भागने की फिराक में है। नो तो जो इंजेक्शन देकर रूम में आराम से शिफ्ट कर दिया है, आराम करेगा रूम में, वहाँ पे मक्खी उक्खी कुछ नहीं लगती है, बिल्कुल आराम है। उसके बाद लाके उसको खाना देंगे। अभी तो एकदम सुबह हो रहा है, रोलेक्स भी ग्रिप लगा के पूरा थक गया था, तो उसकी ग्रिप हटा दी मैंने। देखो अभी तक हाँफ रहा है धीरे धीरे, देखो देखो देखो। अ फ्यू इंचेस लेटर, अभी दोपहर हो गया गाइस, और डॉग से खाने का टाइम भी हो गया, खाना लेके आ गया हूँ मैं। रोलेक्स भी भूखा है आज, बहुत ज़्यादा देर तक ग्रिप लगाया। देता हूँ खाना इसको, और जॉय भी रूम में है, पहले इसको खाना दे देता हूँ, उसके बाद जॉय को देंगे। तो रोलेक्स तो अपना शुरू हो गया, अब चल के जॉय की हालत देखता हूँ। अभी सुबह सुबह इंजेक्शन लगाया था मैंने, देखता हूँ आराम है कि नहीं उसको। ये रहा जॉय, खाना तो खा लिया इसने, पूरा कटोरा खाली हो गया, और थोड़ा सही भी लग रहा है ऐसे। देखता हूँ अभी खाना खाता है कि नहीं देने के बाद। अभी दोपहर हो गया गाइस, और मानव का आज पीटीए में, तो जा रहा हूँ इसका रिजल्ट लेने। और ये रहा रोलेक्स, खा के अपना आराम कर रहा था, हम लोग आए तो उठ गया। मानो थोड़ा सा डर रहा है इससे, बाइक निकालता हूँ। बस थोड़ी देर में मानो के स्कूल में पहुँचने वाले हैं, फाइनली मानो के स्कूल में आ गए गाइस। अब चलते हैं इसका रिजल्ट लेने के लिए, इसकी क्लासेस पीछे हैं, सारे गार्जियन आ गए हैं रिजल्ट लेके, हमें लोग लेट आए हैं आज। फाइनली मानो का रिजल्ट तो मिल गया है। ये रहा मानो का फोटो और पूरा डाटा, और इसकी स्कूल का भी फोटो। अब रिजल्ट लेके चलते हैं सीधे घर, और घर चल के करता हूँ मैं थोड़ी सी अपनी पढ़ाई, लेके चले गए। फाइनली घर आ गया हूँ गाइस, मानो का रिजल्ट लेके, और अभी एकदम दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैं अपने स्टडी टेबल पे हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। अब मैं इकोनॉमी की क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ, कल लिया था, और आज भी 2-3 क्लास पेंडिंग है, वो सब कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर शाम को लेके चलेंगे डॉग्स को घुमाने के लिए, देखते हैं जॉय के मुंह को आराम होता है कि नहीं। नहीं होगा तो शाम को नहीं लेके चलेंगे, सीधे डॉक्टर के पास लेके चलेंगे जॉय को, या डॉक्टर को यहाँ बुलाएंगे, देखते हैं क्या हो पाता है। अ फ्यू इंचेस लेटर, तो अभी पढ़ाई करते करते 5 बज गए गाइस। देखो यहाँ पे टाइम 4:53 हो रहा है, ये देखो। और अब शाम हो गई है, डॉग्स को लेकर चलना पड़ेगा घुमाने के लिए। रोलेक्स का भी से वेट कर रहा होगा कि कब आऊँ उसको घुमाने के लिए। बात तो सही है। तो ये रहा रोलेक्स गाइस, ये देखो अपना बाउल किधर फेंका हुआ है, बस सोया बड़ी सारा वेस्ट किया, ये खाता नहीं है। अबे साले, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, खाता तो इसके मसल्स भी आते। अब चल के जॉय को देखता हूँ उसकी हालत कैसी है, इंजेक्शन देने से कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। चलो अभी खुशी भी लगी, कम से कम खाना पूरा खा लिया है। और ये रहा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इसको देखो, नो 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 रोलेक्स। देखो थोड़ी देर जहाँ नहीं बोलता ना इसको, तो फटाक से फाइट कर देता। और जॉय भी ज्यादा एग्रेशन नहीं करता है, उसने जहाँ थोड़ा सा एग्रेशन किया कि फटाक से अटैक मार देता है, समझ रहे हो। तो जॉय को थोड़ी देर बाहर खोल दिया था, कब से रूम में बंद था, तो थोड़ा घूम लिया, तो इसको भी आराम हो जाएगा। जॉय बाहर गया घूमने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, कभी से भौंक रहा है, ये देखो। अभी थोड़ी सी धूप ज्यादा है, इसीलिए मैं इसको लेके नहीं जा रहा हूँ, और 5-10 मिनट बाद लेके चलेंगे, तब तक जॉय बाहर से आ भी जाएगा, शायद फ्रेश होने गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। देखो खाना तो खाया है गाइस, लेकिन अभी भी जख्म उसका वैसे ही है। देखते हैं 2 दिन में आराम हो रहा है कि नहीं। इंजेक्शन तो आज ही लगाया मैंने बहुत हाई पावर का, 24 घंटे बाद ही असर दिखेगा उसका। तो आज सही टाइम पर आए गाइस, धूप बिल्कुल अब खत्म होने वाली है, और गर्मी भी कम लग रही है। नहीं तो रोलेक्स एकदम हाँफने लगता है, आज बहुत कम हाँफ रहा है रोज के मुकाबले। यहीं पे एक बकरी थी, उसी पर अटैक कर रहा था। एक बकरी यहाँ पे भी है,
और एक बकरी यहाँ पे भी है, ये देखो। डर रहा है थोड़ा, बकरियों से लग रहा है। बस हवा निकल गई, अब इसको अनलिश करता हूँ और थोड़ी सी रनिंग कराता हूँ, ज्यादा नहीं। फाइनली रनिंग हो गई है रोलेक्स की गाइस, लेकिन देखो अभी बॉटल लेके उधर उधर घूम रहा है ताकि मैं उससे छीनू ना, इसलिए अभी उसके पास जाऊंगा तो लेके पीछे भागेगा। लेकिन इधर जा रहा था, मेरे को डर लग रहा है, इधर सांप वोप होंगे और सीधे गर्मी आ रही है। आज ही एक सांप से सामना हुआ था मेरा, बहुत डर लग रहा है। देखो थक के बिल्कुल मेढक की तरह लेट गया ये। थोड़ा सा रिलैक्स होने देता हूं, इधर लेके चलते हैं आराम से घुमाने, थोड़ी उधर हवा भी चलती है अच्छी। अभी रनिंग के बाद इसको बस टहला रहा हूं धीरे धीरे, उसके बाद रिलैक्स हो जाएगा तो फिर लेके चलेंगे घर। तो इस वाले रास्ते पे कोई डॉग्स वगैरह नहीं आते हैं गाइस, तो यहीं पे खोल देता हूं रोलेक्स को, आराम से मेरे पीछे पीछे चलेगा। फाइनली अनलिस्ट कर दिया हूँ, देखता हूँ आ रहा है कि नहीं, आ तो रहा है पीछे पीछे। देखो सामने भीड़ है सारी, कहीं रोलेक्स उन पे अटैक ना कर दे। अभी तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है आराम से, देखो कितना टॉप का नज़ारा लग रहा है। थोड़ी देर में सनसेट हो ही जाएगा, बस होने ही वाला है। देखो चारों ओर हरियाली हरियाली और गेहूँ लगे हुए हैं। ओह माय गॉड, अब रोलेक्स को घर ही लेके चलता हूँ, घूम लिया जितना घूमना था। उस लड़के के पीछे जा रहा है, अरे हम बानी तो कैसे काटी। अच्छा लोग थोड़ा डर रहते हैं रोलेक्स से, उसका मन कर रहा है गेहूं में जाने का, लेकिन मैं डांट दे रहा हूँ तो नहीं जा रहा है। देखो थोड़ा सा घुस रहा है, एक बार मैंने अभी डांट दिया था बहुत तेज, तब से नहीं जा रहा है। तो रोलेक्स को लेकर घर आ गया हूँ गाइस, और जो है अभी रूम में ही बंद है, उसको रहने देता हूँ वहीं पे। रूम में आराम है, नींद की वजह से ठंडा रहता है, गर्म नहीं रहता है वहाँ पे। देखो थक के कैसे मेढक की तरह लेट गया है, इसको थोड़ा सा पानी देता हूँ पीने के लिए, कभी से हाँफ रहा है। तो अभी रात हो गई गाइस, और मैं खाना लेके आ गया हूँ रोलेक्स और जॉय के लिए। देखो कैसे सूंघ रहा है अपने खाने को, देता हूँ खाने इसको। अभी जॉय रूम में ही है, उसको भी चल के देखता हूँ कि आराम है कि नहीं थोड़ा सा। रोलेक्स तो अपना खाना फिनिश करने में लगा हुआ है, जॉय को मैंने अंदर ही खाना दे दिया रूम में ही। अभी सो रहा था, आराम कर रहा था, तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, जब उठेगा तो खा लेगा। तो डॉग्स को खाना दे दिया गाइस, दोनों खा के आराम करेंगे रात में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मन करे तो शेयर भी कर देना। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, शुभ रात्रि।